हेलो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मनीषा के हत्यारों का सिर काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम देंगे संदीप वाल्मीकि। यानी कि संदीप वाल्मीकि ने जी ने कहा है कि यदि किसी ने भी यदि इनके मतलब जिन्होंने हत्या की इनकी जो ये ठाकुर लोग थे 4 लोग, यदि उनको कोई भी सर काटेगा उनको 1 करोड़ रुपये का इनाम देंगे। संदीप वाल्मीकि ने ऐसा कहा है। आपको पूरी खबर बता दें कि अभी वो कहाँ पे हैं, तो अभी जो उनके दोषी हैं वो अभी जेल में बंद हैं। आपको पूरी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाली गैंगरेप पीड़ित की मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने न केवल लड़की की जीभ काट ली बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी। हद तो तब हो गई जब यूपी पुलिस ने पीड़िता का शव परिजनों को नहीं सौंपा और उसका देर रात अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़िता की मौत के बाद यूपी सरकार और यूपी पुलिस के रवैये पर देश भर में आक्रोश है। अब इस मामले को पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ऐलान किया कि मनीषा मृतका के हत्यारों का सिर काटने वाले को 1 करोड़ रुपये का इनाम देंगे। संदीप वाल्मीकि यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारी बहनों से जो भी बलात्कार करता है उसकी गर्दन काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा और योद्धा की उपाधि देंगे। हम इन हत्यारों को बख्शने वाले नहीं हैं, अब खून का बदला सिर्फ खून होगा। आज हम इतने दुखी हैं कि हम आंखों में आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। संदीप वाल्मीकि ने कहा कि 1 तारीख को हमने भारत बंद का ऐलान किया है। पूरे प्रदेश में सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। बहन मनीषा को शांति के लिए शाम को कैंडल मार्च भी किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो सारे के सारे अपराधी हैं वो एक उच्च जाति के साथ संबंध रखते हैं। बता दें कि मामले में सभी 4 आरोपी जेल में हैं। पीड़ित दलित जाति है, वही सभी आरोपी कथित रूप से उच्च जाति से संबंध रखते हैं। 20 साल की पीड़ित पर 14 सितंबर को राजधानी दिल्ली में लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित हाथरस के गांव में हमला किया गया था। आरोपियों ने उसके दुपट्टे से खींच कर खेतों में ले गए और वो परिवार अपना साथ घास काट रही थी जब वो लेकर गए थे। आपको ये खबर मैंने दी ताकि आप लोग जान सकें कि उनके जो हत्यारे हैं उनका अभी क्या हाल है और क्या कर रहे हैं साल। अब गाली निकलती मुझसे कि बताओ ऐसा जघन्य अपराध करने की क्या जरूरत थी, क्या उनके माँ बहन नहीं है? आप लोग भी कमेंट में एक वाक्य जरूर लिखिएगा बहन मनीषा वाल्मीकि के लिए। फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।